नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। फर्जी सिग्नेचर की वजह से सस्पेंड हुए राघव चड्ढा को लेकर के लगातार अब जो सुर्खियां हैं वो बन रही हैं। पहले संजय सिंह और उसके बाद अब राघव चड्ढा सस्पेंड हो चुके हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्शन लिया है। और साथ साथ इस पूरे मुद्दे को राहुल गांधी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, कैसे राहुल गांधी को सरनेम मामले में फंसाया गया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई, यानी कि जो सजा पर रोक लगा दी गई। अब राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को जम करके कोसा है। देखिए वीडियो। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिसेज आ चुके हैं, शायद यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपी को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो आरोप, जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है, यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटन कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए, लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का, एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद। अब राघव चड्ढा सस्पेंड तो हो गए हैं, अब देखना ये होगा कि आखिर दोबारा से सदन में बहाल कब होते हैं, कब दोबारा सवाल पूछेंगे और एक विपक्ष के तौर पर सत्ताधारी पार्टी के सामने जो सवालों की जो झड़ियां हैं वो कब आम आदमी पार्टी
दोबारा से लगाएगी। फिलहाल राघव चड्ढा और संजय सिंह इन दोनों की सस्पेंशन की वजह से एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी की फजीहत बहुत ज़्यादा हुई है। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।